पेरेंट्स, तो आप सारे लोगों के मन में नंबर थ्योरी को लेकर हमेशा ही एक भाव रहता है कि इसे पढ़ा जाए या छोड़ दिया जाए, कि हम डिटेल में पढ़ें या फिर ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी को समझने के लिए जितनी नंबर थ्योरी हम पढ़ते हैं उतना से ही हमारा काम चल जाएगा। तो इस पर अभी बात करेंगे। उसके लिए दो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि उसका सिलेबस क्या है, जो आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है अभी, और दूसरा ये कि अब तक के लिए जो टोटल 25 MCQ एग्ज़ाम हुए हैं हमारे पास, MCQ हम स्कूल मिला करके जो ऑब्जेक्टिव पेपर बेसिकली जो हमारा होता है, वो अभी तक जून 2011 से अभी तक 25 पेपर हो चुके हैं। उसमें किस तरीके से नंबर थ्योरी से क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके एनालिसिस देखेंगे, एंड देन फिर आप खुद से ये डिसाइड करो कि इसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए। फिर उसमें अपना पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सिलेबस में देखोगे तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इन डिविजिबिलिटी इन जेड से बेसिकली क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फिर कॉन्ग्रुएंस, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, यूलर्स फाइव फंक्शन और प्रिमिटिव रूल, इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो आप वैसे भी पार्ट ए के लिए आप पढ़ते हो, तो पार्ट ए के लिए जो पढ़ते हो वहीं से जो सीखते हो ना, अगर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वो हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत कम, 9 के बराबर आते हैं। जो पॉइंट्स मैंने टिक किए हैं उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऊपर जो पॉइंट्स हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन है, पिजन हॉल प्रिंसिपल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अरेंजमेंट वगैरह, तो इससे अब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं, एनालिसिस को देखते हैं। तो जून 2011 में 3 क्वेश्चन पार्ट बी में पूछे गए थे 9 मार्क्स के। मतलब अगर हम लेस मार्क्स की बात करें, बाकी स्क्रीन पे डेटा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बार 3 मार्क्स का आया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे 3 मार्क्स का है। दिसंबर 2014 में नहीं आया था इससे क्वेश्चन, है ना, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे 3 मार्क्स 6 मार्क्स को हटाते हैं 4.75 मार्क्स। बट अब देखोगे तो 10.75 मार्क्स का भी ये पूछा गया है, 12 मार्क्स का भी पूछा गया है, 12.5 मार्क्स का भी पूछा गया है ये। ठीक है, अभी एकदम नियर अबाउट हालिया एग्जाम्स को अगर आप देखोगे, वहाँ आप देखोगे कि ये 17.25 मार्क्स का भी 2 बार पूछा जा चुका है। मतलब आप समझ रहे हो कि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या पूरा का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ के 25 to 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और 17.25 सिर्फ नंबर थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं अगर एकदम अभी हाल में जो एग्ज़ाम हुआ है जून और दिसंबर वाला, उसकी बात करोगे तो जून में फिर से क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन दिसंबर की बात करें 10.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ओवरऑल आप देखोगे कि ये बहुत ही बढ़िया एक हैंडसम सा वेटेज रखता है नंबर थ्योरी, और इसे वैसे भी ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी को समझने के लिए आपको पढ़ना ही होता है। बस आप सिर्फ फार्मूलाज पढ़ के छोड़ देते हो, जैसे कि पाई एन का फार्मूला, टाउ एन का फार्मूला। तो अगर आप उसे, जो भी फार्मूलाज आप यूज करते हो ना, जैसे कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड हो गए, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड हो गए, कुछ क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा ही कुछ डेविड एम बर्टन की किताब आती है उससे, या इंस्टीट्यूट की जो प्रैक्टिस बुक है उसको लेकर के थोड़े बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आप क्वेश्चन के कर लेते हो, तो फिर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो बड़े इजीली हैंडल कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि अगर नहीं पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं है उससे, क्योंकि उससे जो हम सीखेंगे उससे ग्रुप थ्योरी को या फील्ड थ्योरी नंबर और रिंग थ्योरी में उसे अप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बट अगर इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये अच्छा खासा एज आपको देकर चला जाएगा, कहीं आप नेट कर रहे हो और थोड़े मार्क्स से आपका जेआरएफ छूट रहा हो, तो वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो मेरा सजेशन ये है कि इसे बिल्कुल ना छोड़े। जो तैयारी का आपका ड्यूरेशन रहता है उसमें अगर आप 6 to 10 डेज के बीच में अगर आप नंबर थ्योरी को ऑनेस्टली देते हैं, बाकी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए रोज 2-3 घंटे, फिर एग्जामिनेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है वो बड़े आराम से आप कर लेंगे, जिसमें कि सारे PYQs आपके कवर हो जाएंगे, और साथ में PYQ जहाँ जहाँ जिन टॉपिक से आए हैं उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लो, तो ये आपके लिए मोर देन सफिशियंट हो जाएगा, और ठीक सा वेटेज भी रहता है इसका एग्जाम में। इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके नेट की जर्नी को JRF तक ले जाने के लिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर एग्जाम।